Hello dear students, in this lecture we will discuss about user interface design. यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि जिस particular system से user interact कर रहा है उस particular scenario में जो भी screen उसके सामने आ रही है जिससे वो interact करेगा that should be very clear and separated, categorized, well organized, we can say that. So user को वो सारी चीजें वो सारी प्रॉपर्टीज अगर मिलती हैं तो हम बोलेंगे कि यूजर इंटरफेस अच्छा बना है. आपने सुना होगा एक पॉपुलर टर्म है यूआई, यूआई डेवलपर आपने डेजिग्नेशन सुना होगा. सो उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है यूजर इंटरफेस डिजाइन. मतलब डिजाइन को हम यूजर की पर्सपेक्टिव में ऐसा बनाए कि यूजर उसको फ्रेंडली मैनर में ऑपरेट कर सके. ठीक है, सो यूजर इंटरफेस इज द फ्रंट एंड एप्लीकेशन व्यू. जैसा कि यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया दैट इज नोन एज फ्रंट एंड. इसका मतलब समझिएगा, फ्रंट एंड सबसे लास्ट में होता है, बैक एंड एंड इन बिटवीन आप देखते हैं ये अपना कोड या बिजनेस लॉजिक, इसको मैं बोल देता हूं बिजनेस लॉजिक लेयर. तो ये तीन लेयर्स होती हैं, फ्रंट एंड, बिजनेस लॉजिक एंड बैक एंड. और इन्हीं के कोऑर्डिनेशन से हम एप्लीकेशन में वो पर्टिकुलर डिजायर्ड डेटा यूजर तक पहुंचा पाते हैं जो यूजर को नीड में होता है. ठीक है, तो फ्रंट एंड में हम यहाँ पर यूजर को उसके डिजायर्ड इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं. यूजर कैन मैनिपुलेट एंड कंट्रोल द सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर बाय मींस ऑफ यूजर इंटरफेस. यहाँ पर हमने यूजर को ऐसे प्रोविजंस दिए हैं, जैसे कि अपन बात करें कमांड बटन, इस बटन के क्लिक करने पर जो भी एक्शन होगा वो इंटरसेप्ट होने के बाद हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन बैकएंड में भी हो सकता है कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड, अगर मान लीजिए कुछ मैनिपुलेशंस होने हो, जैसे सब्सक्रिप्शन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर आर्किटेक्चर, जैसे कि अपन अमेज़न क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं. तो वहां पर भी आपको क्या है कि जितने भी पर्टिकुलर यूजर इंटरफेसेस हैं, जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यू हैव टू पे ऑल्दो, बट जैसे आपने वो डायलॉग कंप्लीट किया, आपने सब्सक्रिप्शन लिया, सर्टेन हार्डवेयर विल बी सब्सक्राइब फॉर यू, दे विल स्टार्ट वर्किंग इन योर कमांड सेंटर, वी कैन से दैट. सो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि यूजर को हमने इतनी पावर दे के रखी है, इतना एम्पावर करके रखा है कि वो ना सिर्फ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक बट ऑल्सो हार्डवेयर स्पेशलाइज्ड जो भी पर्टिकुलर ऑपरेटर्स हैं या सब सिस्टम्स हैं उनको वो ऑपरेट कर सकता है, उनको वो मैनिपुलेट कर सकता है. सो यूजर इंटरफेस की इतनी पावर है जो कि हमने फ्रंट एंड जस्ट प्रोवाइड करके यूजर को दे दी. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक हम लेमैन स्टाइल में बात करें, एक रेडियो है, उस रेडियो में हमने दो बटन दिए हैं जिसमें वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है और किसी भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे हम रेडियो स्टेशन ट्यून कर सकते हैं. सो हमने यहाँ पर यूजर को जो रेडियो परचेस करके लाए हैं उनको उस पर्टिकुलर दो बटन के आधार पर हमने उनको वो पावर दे दिया कि वो कोई भी पर्टिकुलर चैनल सुन सकते हैं. सो पॉइंट यही है कि जिस तरह से रेडियो में हमने वो पावर दी है वैसे हमने यहाँ पर फ्रंट एंड देकर यूजर को यूजर के हाथ में कुछ पावर्स दे दिए, उसको एम्पावर कर दिया है. आई होप द कंसेप्ट इज नाउ क्लियर. यूजर इंटरफेस इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. आप एक कार चला रहे हो, आपके सामने एक यूजर इंटरफेस होगा. आजकल डिजिटल इंटरफेसेस भी अवेलेबल हैं जिसमें आपको पता चलता रहता है कि कार की स्पीड क्या चल रही है, इसके अलावा पेट्रोल कितना है, और भी जितने सब सिस्टम्स हैं उसके पास, रेडियो है और ब्लूटूथ है, वाईफाई है, सारे स्टेटस आपको डैशबोर्ड पर मिलते रहते हैं. सो वी कैन से दैट कि दैट इज अ फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड हर जगह है, चाहे वो कार हो, चाहे म्यूजिक प्लेयर हो, म्यूजिक प्लेयर भी आप लाएंगे तो सामने डैशबोर्ड पर दिखता रहेगा कौन सा गाना प्ले हो रहा है, अभी कितना प्ले हो चुका है, कितना बचा हुआ है. एयरप्लेन्स की बात करें तो आपको बहुत ही बोलना चाहिए सोफिस्टिकेटेड सा एक डैशबोर्ड देखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारे सब सिस्टम्स वहां पे काम कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन, राइट. सो ये पूरे जितने भी आप सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, द प्राइम नीड इज दैट कि हमें ये पता हो कि सिस्टम का करंट स्टेटस क्या चल रहा है और हमें ये भी पावर हो कि हम उसमें कुछ परिवर्तन ला सके, और वो सिर्फ संभव है यूजर इंटरफेस के माध्यम से. अगर अपन यूजर को एक कंफर्टेबल यूजर इंटरफेस देते हैं तो वो इजीली ये काम कर लेंगे, अदरवाइज लो लेवल पे जाकर चीजों को ऑपरेट करना होता है, दैट इज अ क्रिटिकल टास्क, राइट. सो यूजर इंटरफेस इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इज डिजाइंड सच अ वे दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द यूजर इनसाइट ऑफ द सॉफ्टवेयर. अगर मैं बात करूं
अब मान लीजिए इसको मैं ईआरपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, अगर स्कूल ईआरपी है या कॉलेज का ईआरपी है तो कितने स्टूडेंट रजिस्टर कर चुके हैं, मान लो कोई एडमिन यूजर होता, अगर यही यूजर एडमिन है और ये ईआरपी एक्सेस कर रहा है, तो इनको पूरे इंसाइट्स मिलते रहेंगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं, अभी मान लीजिए रिजल्ट आया है तो उसमें इस स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा, ये सारी चीजें किसी भी सिस्टम से रिलेटेड समरी आप उसमें कैलकुलेट करके शो कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एडमिन पर्सपेक्टिव में कि पूरे सिस्टम्स का ओवरऑल समरी आपके सामने आता रहे, चाहे वो टेक्सुअल कंटेंट में हो या फिर किसी पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी देयर इन द डैशबोर्ड और समरी ऑफ द सॉफ्टवेयर। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड फंडामेंटल प्लेटफॉर्म फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। अगर इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो किसी हार्डवेयर पर चल रहा है, बैकएंड किसी MySQL की बात करूं, कोई सॉफ्टवेयर है तो वो हार्डवेयर पर चल रहा होगा, पाइथन PHP या .NET का फ्रेमवर्क है ये भी है ना सिस्टम पे ही चल रहा होगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक सॉफ्टवेयर को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर मशीन पर हम इस पर्टिकुलर यूजर को ऑपरेट करा पा रहे हैं, इसलिए अपन उसको बोलते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस या इंटरेक्शन। SCI एक टर्म है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जिसको हम सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाते हैं बाय मींस ऑफ दिस हार्डवेयर एंड यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस कैन बी ग्राफिकल। अगर आपको एक ग्रिड दे दी गई, मान लीजिए आपको एक बटन दिख रहा है, तो इस बटन में जैसे मैं इस बटन को कमांड, मान लीजिए कमांड है सी, ठीक है, इस पे आप सी दिख रहा है इस पे, है ना, तो ये जो टेरिटरी दिख रही है ना इसकी, ये टेरिटरी इसका ग्राफिकल आउटरीच है, या बोलना चाहिए ग्राफिकल एरिया है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ग्राफिकल एरिया में अगर माउस से आप क्लिक कहीं पर भी करेंगे इस बॉक्स के अंदर या इसके बॉक्स की बाउंड्री पर भी, तो वो एक्ट करेगा एज अ कमांड। ये पूरी की पूरी स्क्रीन, एक रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें पिक्सल्स आइडेंटिफाइड होते हैं और उनसे ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स बनते हैं जो कि आपको विजुअली दिख रहे होते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, यूजर के लिए। सो अब ये जो ग्राफिकल कंपोनेंट होते हैं इनको आप दिखा सकते हैं, टेक्स्ट आप कोई टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं यूआई डिजाइन करने के टाइम पर, है ना, आप बोलते हैं ना एंटर योर नेम, मान लीजिए कैप्शन लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ लिखा है एंटर योर नेम, आप अपना नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, राइट। ऑडियो वीडियो बेस्ड कंटेंट आजकल बहुत ये पॉपुलर है, यूट्यूब का कोई लिंक आपने लेके अपने वेबसाइट पर शो करा दिया, दैट विल बी अब यू नो प्रोडक्ट यूज करने से पहले आपने एक वीडियो दिखा दिया उनको, तो ये पता चल जाएगा यूजर को कि उसको कैसे यूज करना है, प्रयोग कैसे करना है। सो ऑडियो वीडियो बेस्ड कंटेंट भी आप इसमें शो कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको ध्यान कर रखना है कि पूरे इस स्क्रीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाए और कंपोनेंट इतने छोटे छोटे भी नहीं हो कि यूजर उनके साथ कंफर्टेबल ना हो। इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट विजिबल होना चाहिए, कंपोनेंट अगर छुप जाएंगे या एक दूसरे के ऊपर इंटरलीव हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ है, मतलब दैट विल नॉट बी अ गुड यूआई, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन वी अरेंज द कंपोनेंट्स ऑन दिस यूआई स्क्रीन और वी प्रोवाइड द यू नो सर्विसेज टू दिस यूआई, लाइक ऑडियो बेस्ड सर्विस होगी, वीडियो बेस्ड सर्विस होगी, टेक्स्ट कंटेंट शो करना है, ग्राफिक्स शो करनी है, लाइकवाइज। UI can be hardware or software or combination of both. अब मान लीजिए एक वेबसाइट की बात करो करें तो बेसिकली वेबसाइट बाहर आपको दिख रही है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोड होगा जो चलकर आपको कुछ आउटपुट दे रहा है, बट इंटरनली देखें तो उसमें सारे हार्डवेयर लेवल पर प्रोसेसिंग एलिमेंट भी होंगे, इनफैक्ट मेमोरी भी यूज हो रही होगी। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही हम इसको अचीव कर पाते हैं। आगे आते हैं, द सॉफ्टवेयर बिकम्स मोर पॉपुलर इफ इट्स यूजर इंटरफेस इज हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। अब कौन कौन से फीचर्स हैं ये अपन देख लेते हैं। एक यूजर इंटरफेस को अच्छा यूजर इंटरफेस आप कब बोलेंगे? सो पहला पॉइंट इसमें रखिएगा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब ये होगा कि अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। अट्रैक्टिव एक वर्ड है जो अपने आप में बहुत सारी केस स्टडीज को कंटिन्यू करता है, कंटेन करता है, जैसे कलर कॉम्बिनेशन। डार्क कलर पे डार्क कलर से लिख देंगे अपन, डार्क कलर के बैकग्राउंड में डार्क कलर से लिख देंगे, दैट विल नॉट बी गुड, राइट। तो छुप छुप जाएगा उसके अंदर।
सो कॉम्बिनेशन आपको कुछ इस तरह से बनाना है कि इट शुड बी वेल यू नो ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंशनड आल्सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च यू हैव डन. जैसा कि आपने कलर कॉम्बिनेशन कलर सेंस होना चाहिए क्यूआई डिजाइनर के पास, ऐसा कहा जाता है राइट. सो अट्रैक्टिव सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगी, इसके अलावा आपने जो इमेज कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है, इमेजेस यूज किए हैं, वो किस क्वालिटी की इमेज है. अब इसमें एक डिस्कशन है, क्वालिटी ऑफ इमेज बेसिकली ऐसी भी नहीं हो कि आपने बिल्कुल मैक्सिमम क्वालिटी का इमेज ला दिया तो लोड होने में टाइम लग रहा है, और ऐसा भी नहीं हो कि वो दिखने में ही है ना ऐसा लग रहा है कि वो फ्लिकर्स आ रहे हैं उसमें, है ना. सो ध्यान रखें कि एक स्क्रीन के हिसाब से एक विजुअल कंटेंट में आप यूजर को एक प्रॉपर एक्सपीरियंस दे पाए. तो इसके हिसाब से जितने भी इस पर्टिकुलर यूआई के लिए कंपोनेंट आप मेंशन करने जा रहे हैं यहाँ पर, दे शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, दे शुड बी यू नो कमिंग अंडर द मॉडर्न प्रैक्टिसेस ऑफ डेवलपमेंट. जो आजकल यूजर का पर्सपेक्टिव है, सर्वे करते हैं बहुत सारे लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको अच्छा बोला जा रहा है. तो आपने देखा होगा बहुत सारे सर्वेज में टॉप 10 वेबसाइट्स ऑफ दिस ईयर, ऐसा करके लिस्टिंग्स भी बहुत सारी एजेंसी जनरेट करती हैं. सो ये टॉप 10 कैसे बनी, क्यों इतने सारे लोगों ने उस पर्टिकुलर वेबसाइट को चूज किया. इसके अलावा आप एक और डिस्कशन देख सकते हैं फेसबुक के बारे में. आप देखिएगा फेसबुक में कोई ज्यादा उन्होंने ग्राफिकल वो कंपोनेंट्स अपने वेबसाइट्स के लिए नहीं रखे हुए हैं, है ना. मतलब बहुत ही सिंपल वेबसाइट बनाई है, बैकग्राउंड व्हाइट रखा हुआ है. अब आप समझिएगा प्रेजेंटेशन सिंपल है, बाकी जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो तो कंटेन कर रही है. आइकन भी उन्होंने बहुत सिंपल रखा हुआ है. सो यहाँ पर सिंप्लिसिटी के साथ यूजर का काम कंप्लीट करने के लिए जो कमिटमेंट है वो दिखता है कि यूजर क्या चाह रहा है. यूजर को इजी वे में वो अपने फ्रेंड से कोऑर्डिनेट कर सके, अपनी बातें है ना उन तक बता सके, कि अपने अचीवमेंट्स उन तक बता सके, ठीक है, या एक सोशली वो कनेक्ट हो सके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पॉइंट, सिंपल टू यूज. सिंपल टू यूज में अगेन बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि जो भी प्राइम फीचर्स हैं या फंक्शनैलिटीज हैं जो यूजर जनरली यूज करता ही है, तो आप उसको किसी पेज की लिंक के अंदर जाके सेव नहीं करेंगे. आप उसको चाहेंगे, आप कोशिश करेंगे कि फ्रंट पेज पर ही वो पर्टिकुलर कंटेंट, वो पर्टिकुलर ऑप्शन उसको दिख जाए, है ना. कुछ लोग तो फेवरेट्स का भी ऑप्शन देते हैं कि आप वेबसाइट में एक लीफ तैयार कर सकते हैं अपनी साइड में, और इस लीफ पे अपने फेवरेट कंपोनेंट पिन कर सकते हैं, राइट. So you can directly click on that and open that particular, navigate to that particular desired favorite pages, right? Okay. So simple to use. अब यहाँ पर ये सारे provisions होंगे तो इस website को और feature oriented बना पाएंगे. Third point, responsive in a short time. ये बहुत important है. Responsive का मतलब दो चीजें आ रही हैं इसमें. As per the device, आपका जो layout है उसके हिसाब से पूरा content सिचुएट हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए और शो हो जाए. और इसमें एक शॉर्ट टाइम वर्ड और जुड़ा हुआ है कि रिस्पॉन्सिव इन शॉर्ट टाइम. जनरली एक पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि मान लीजिए यूजर कोई वेबसाइट ओपन कर रहा है, और अगर इस वेबसाइट ने 30 सेकंड से ज्यादा ओपनिंग में ही लगा दिया टाइम, तो आजकल बहुत ऑप्शन है, यूजर विल स्विच टू अनदर वेबसाइट. यूजर बोलेगा कि नहीं भाई बहुत टाइम ले रहे हो आप, ये घूम रहा है तब से, हटाओ कोई दूसरी, हमारे पास बहुत ऑप्शन है. So many websites are there. If you are providing the right content for the right users, then आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि responsive होनी चाहिए website और उसका loading time कम होना चाहिए. इसके लिए मैंने अभी आपको just बताया था कि आप heavy images नहीं रख सकते उस पर. आपको एक minimum promising quality की image रखनी है और उसको जल्दी load time अपन को कम से कम करके रखना पड़ेगा. ठीक है, सो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए. फोर्थ अपन बात करें क्लियर टू अंडरस्टैंड. अब क्लियर टू अंडरस्टैंड में अरेंजमेंट की बात करेंगे अपन. आसानी से हम समझ सकें, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट आप पहली बार ओपन कर रहे हैं, अगर उसमें देखिए कुछ वेबसाइट्स में तो गॉट इट करके है ना पूरा बताते हैं कि आप एक विजिट ले लीजिए. ये गॉट इट का बटन आपने कुछ जगह पे देखा होगा, मैंने आपको बस आइडेंटिफाई करने के लिए बताया कि गॉट इट आप क्लिक करेंगे तो फिर दूसरा फीचर बताएगा. तो जितने भी फीचर्स आपने इस वेबसाइट में विजिट करने होते हैं उन सभी, या प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में भी ये जनरली प्रैक्टिस होती है कि प्रोडक्ट का एक जनरल व्यू ले लीजिए कि कहां से आप क्या कर सकते हैं. मान लीजिए आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं
तो वहां पे एक असिस्टेंस रहता है ना कि भाई आप वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम इस साइड है, राइट साइड में, पानी पीना है तो इस साइड है, ठीक है, टैब इस साइड लगे हुए हैं। सो लाइकवाइज आपको ये एक विजिट करा रहा है, ठीक है। तो ये वर्चुअल विजिट टाइप की है कि वेबसाइट पर आप है ना चीजें कहाँ कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, आप उनको यूज कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसके अलावा क्लियर टू अंडरस्टैंड में सारी चीजें क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग कॉलम्स नहीं होने चाहिए, कंफ्यूजिंग टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, अलोंग विद कंपोनेंट एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करने चाहिए। देन कंसिस्टेंट ऑन ऑल इंटरफेसिंग स्क्रीन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अभी मैं इस वेबसाइट को टैबलेट पे ओपन कर रहा हूं, बाद में मैं लैपटॉप पे ओपन कर रहा हूं, तो जो उसका बेसिक फील है वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो कंसिस्टेंट होना चाहिए। सो यूजर इंटरफेस के ये तो अपने प्रॉपर्टीज हैं जो हमें एश्योर करनी है। इसके अलावा यूजर इंटरफेस के दो टाइप भी है, एक सुना होगा आप लोगों ने कि CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी अपन यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हैं ना, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पुराना हो गया, एमएस डॉस वाली बात हो गई है वो, कि वहां पे कमांड्स अपन कौन सी डायरेक्टरी में टाइप कर रहे होते हैं, है ना, कमांड्स के थ्रू हम सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। बट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहां पे आपको बाकायदा विजुअल फॉर्म दिख रहा है, कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, यू कैन इंटरेक्ट दोस कंपोनेंट एंड गेट योर कंटेंट व्हाट सो एवर यू वॉन्ट। सो दैट इज वेरी इंप्रेसिव। सो GUI की हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं जब अपन UI स्पेशलाइज्ड डिजाइन की बात करते हैं। तो बाकी CUI भी यूजर इंटरफेस का डिजाइन है जो अभी बहुत सारे सिस्टम्स में ऑपरेट किया जाता है, जहां पर अपन ये UI का जो एफर्ट है, इसकी जो प्रोसेसिंग, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा है ना एफर्ट लग जाता है, इसको है ना अगर अपन ओवरकम करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, तो फिर CUI की तरफ जा सकते हैं। बट GUI इज द मेन फोकस इन दिस पर्टिकुलर यूजर इंटरफेस डिजाइन टॉपिक। So I hope this is clear to you all. Thank you.